बस तकरीबन 30 से 40 बकरे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि इससे पहले आपके पास काफी बकरे की लाट आई थी जो बिक चुके हैं। जो बिक चुके हैं जी, तो और बकरे आएंगे आपके जी पास? जी इंशाल्लाह, हमारा इरादा है कल पूरी गाड़ी आ रही है इंशाल्लाह शाम भी। जितने भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से सारे दो दो दांत है वाला, ये दो दांत है सर। सही है, ये आपको पड़ेगा 30 का, 27,000 रुपए का ये भी हो गया आपका। अच्छा। जो लेना चाह रहे हैं उनके पास जैसे जगह नहीं है, हम अपनी तरफ से उनको जगह दे रहे हैं। ये 24-25 तक का है। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बकरे की कलेक्शन दिखाने वाले हैं। यहाँ पे छोटे बकरे, दरमियाने साइज़ के और बड़े बकरे जो हैं वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खासियत ये है कि कराची शहर के बीचों बीच में ये बकरे आपको मिल रहे हैं। और दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि जिनकी रेंज थोड़ी कम होती है, क्योंकि कुर्बानी जो है वो हर साहिब इस्तेताद के ऊपर, जो साहिब हैसियत है उसके ऊपर फ़र्ज है, तो हर शख्स ये चाहता है कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी करे, अपनी इस्तेताद के मुताबिक करे। तो जिनकी रेंज थोड़ी कम है उनके लिए भी एक खासियत है कि यहाँ पे आके वो इन बकरों को परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ये भाई मौजूद है, सबसे पहले हम इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, ये बताएं कि सबसे पहले इस वक्त अपनी लोकेशन बताएं कि हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं देखने वाले। गुलशन ब्लॉक 5 में हम। सही है जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपके पास कितने बकरे मौजूद हैं? सर अभी हमारे पास तकरीबन 30 से 40 बकरे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि इससे पहले आपके पास काफी बकरे की लाट आई थी जो बिक चुके हैं। जो बिक चुके हैं जी, बिल्कुल सही सुना है। सही है। अच्छा सलमान, ये हमें बताएं कि मजीद जो है ये वीडियो देखने के बाद लोग आपसे राब्ता करेंगे तो और बकरे आएंगे आपके पास? जी इंशाल्लाह, हमारा इरादा है कल पूरी गाड़ी आ रही है इंशाल्लाह शाम तक, इस वक्त तक आ जाएगी इंशाल्लाह। चले भाई, आप लोग ये सलमान ये बता रहे हैं कि कल जो है गाड़ी आ रही है, बकरे और आने वाले हैं, तो आप लोग दिल छोटा ना कीजिए, क्योंकि इनके पास अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि घास काफी आ रहे हैं जो कि बकरे यहाँ परचेज करके जा रहे हैं। हम सलमान से इन बकरों की खासियत जानते हैं। सलमान, सबसे पहले ये बताएं कि ये बकरे जो है कौन कौन से दांत के मौजूद हैं यहाँ पे? सर हमारे पास दो दांत के भी है, काफी चार दांत के थे वो भी बिक गए अभी। जितने भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से सारे दो दो दांत हैं। सही, इनकी क्या नस्ल की लगेगी, कौन सी नस्ल है? सर ये कुछ कामोरी है, कुछ तापरे। सही है, ये आपको ब्राउन वाला। जी जी जी, ये आपको 30 का ही वाला, ये दो दांत है सर। सही है, ये आपको पड़ेगा 30 का। ठीक है, माशाल्लाह खूबसूरत है। सही, और इसके अलावा कुछ आपको बड़े दिखा देता हूँ, जैसे ये हो गया। सही है, ये हो गया, ये व्हाइट आपके सामने खड़ा है, ये हो गया, वो बड़ा व्हाइट खड़ा है, वो हो गया। सही है, ये 27,000 रुपए का ये भी हो गया आपका। अच्छा, जबरदस्त, ये आ गया आपका। सही है, और इसके अलावा ये हो गया आपका। सही, और कुछ और थे वो बिक गए जो। सही है, बाकी जो लेना चाह रहे हैं उनके पास जैसे जगह नहीं है, हम अपनी तरफ से उनको जगह दे रहे हैं। पिलाई का हम उसके अलग पैसे लेते हैं। पिलाई की वैसे कितने ले रहे हैं सर? हम 300 रुपए फी बकरा ले रहे हैं। 300 लेंगे जी। अच्छा जी, तो जनाब हम चाहेंगे कि आप कुछ बकरे हमें खुद निकाल के बता दे जाएं कि इसमें वेट कितना होगा बकरे का अंदाजन, उनकी क्या क्या प्राइस होगी अलग अलग। वो मैं आपको बता देता हूँ। सही, अब देखें ये सर, ये बकरे सही है माशाल्लाह से 35,000 रुपए का। ये 35,000 का बकरा होगा, दो दांत है। सही है, और माशाल्लाह कम से कम इसमें 15-16-17 किलो गोश्त होगा। सही है सर, ये वाला सर कितने का होगा? ये भी सर 35 का है, 33 का आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। सही है, और इसमें भी तकरीबन सेम टू सेम है गोश्त। सही है भाई, ये जो सबसे छोटा बकरा इन्होंने बताया इस वक्त 27,000 रुपए से बकरा जो है यहाँ पे मौजूद है। सलमान ये बताएं कि महंगे से महंगा बकरा कितने तक का इस टाइम मौजूद होगा फिलहाल? सर हमारे पास तो अभी पहले था, अभी बिक गया इंशाल्लाह, अब आएगा, क्योंकि अभी महंगे से महंगा बकरा 75,000-85,000। सही है, जो भी है, जो पार्टी आती है जैसे उनको पसंद आता है बकरा खूबसूरत, आपको पता है आजकल रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हम चाहेंगे दूसरे बकरों के भी थोड़े आप हमें कीमत बताते जाए। ये बकरा भी अच्छा, ये भी आपको 35 तक का मिल जाएगा। ये भी 35 तक का बकरा पड़ जाएगा हमें। माशाल्लाह ये वजन में उनसे इससे बड़ा हुआ है, ज्यादा है थोड़ा। सही है, ये भी दो दांत है। सही, जबरदस्त, और ये मुंडा हो गया, ये भी तकरीबन, ये भी दो दांत है तकरीबन, ये 32,000 रुपए का, 32,000 रुपए का पड़ेगा। सही है, और 28-28 वाले हमें बताएं इस टाइम, 28-28 वाले कौन से? 28-28 वाले ये वाला भी बता दें, ये भी आपके सामने है इस टाइम जी, ये भी दो दांत है, ये भी तकरीबन आपको 30-32 का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये फाइनल रेट है इनके? जी जी, फाइनल रेट को डिस्काउंट कर लेंगे। डिस्काउंट जैसे आप, जी जी, आप 27,000 का कह रहे हैं, 28,000 वाले, ये बच्चा है, ये माशाल्लाह खूबसूरत, सही है, ये देखें छोटा सा, ये 27,000 का ही वाला जी, ये 24-25 तक का है, 24-25,000 तक का बकरा वाला। जी जी जी, ठीक है, इसमें तकरीबन 10-12 किलो गोश्त है, 10-12 का। सही है, अब हम चाहेंगे सबसे कम रेट के जो बकरे ना इस टाइम, पहले हमें वो बता दें कौन कौन से होंगे सबसे कम रेट के। से रेट एक ये हो गया। सही है, 24,000 तक का तकरीबन है वाला। एक ये हो गया, एक ये हो गया। सही है, और ये कितने तक का होगा, कीमत भी बता दें सर? ये तकरीबन 27,000 तक का, 27,000 का। दो दांत का ये भी? जी जी, सब दो दांत है हमारे पास, दो दांत है। सही है, ये भी अच्छा लग रहा है हमें, खूबसूरत चितकबरा सर, ये भी माशाल्लाह दो दांत है। सही है, ये तकरीबन 33,000 रुपए का, ये 33 का है। ठीक है,
तो अभी हम चाहेंगे कम से कम जो प्राइस के 27-28 वाले, 24-25 वाले, वो हमें बता दें, 30 के अंदर अंदर बकरे बता दें, 30,000 के अंदर अंदर रेंज के। सर 30 के ये आप देख रहे हैं जोड़ी, ये दोनों खड़ी है माशाल्लाह, खूबसूरत है, दो दांत है। सही है, ये कितने 30 में दो है क्या, एक है सर? ये दो, एक है, एक है, सही है जी, 60,000 रुपए की जोड़ी है। ठीक है, और ये देख लें आप, ये छोटा जा रहा है हमारा टापरा, ये भी तकरीबन 30 तक का है, ये भी 30 का है। सही है भाई, यानी ये समझे कि 24-25 हज़ार तक से जहाँ पे बकरे जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी जो है रेट और आने वाली है, तो बकरे इनके पास यहाँ पे माशाल्लाह का लाड दोबारा आ जाएगी। और ये कह रहा है कि ईद तक इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, बकरे बिकते जाएंगे, मजीद बकरे जो है वो आते चले जाएंगे। जैसे ही हमारे माशाल्लाह से बकरे बिक रहे हैं और आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, जो साइज जैसे कि पार्टी आ रही है हमें बता रहे हैं कि यार इस साइज का हमें चाहिए बकरा, ऐसे चाहिए, तो हम फौरन उनको लाके दे सकते हैं। सही है भाई, जबरदस्त भाई, आप लोग सुन लें, एड्रेस इन्होंने भी बता दिया है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, टेलीफोन नंबर भी आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो पहले आ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये बाई चांस ये आगे पीछे हों, तो आपको अगर ये ना भी होंगे तो फ़ोन पर रब्ता करके बता देंगे कि किससे यहाँ पर आके आपको मिलना है। तो सलमान, अब ये बताएं कि तकरीबन 32,000 तक का, 30-32 हज़ार वाला कौन सा बकरे और चलना है आपके पास रेंज में होंगे यहाँ पे, वो भी थोड़े में दिखा दें 30-32 वाले बकरे। सर जैसे ये मुड्डा हो गया आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, सही है, ये माशाल्लाह खूबसूरत है, दो दांत है, सही, ये तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये का, ये 30-32 हज़ार तक का पड़ जाएगा। सही है, अच्छा भाई ये बता रहे हैं कि फाइनल प्राइस नहीं है, इसके अंदर बारगेनिंग की गुंजाइश है, निगोशिएशन जो है वो हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, और इस टाइम जो है सलमान, और महंगा सबसे हाईएस्ट बकरा कितने तक का होगा आपके पास यहाँ पे मौजूद है? सर यहाँ पे हमारे पास इस टाइम फिलहाल इन बकरों के अंदर तकरीबन 33-35 का है, 33-35 तक का ही होगा, क्योंकि बड़ा माल काफी हमारा बिक चुका है। सही है भाई, ये सारे बकरे आप लोग देख ले, तकरीबन यूं समझे कि 24,000 से बकरे स्टार्ट हो रहे हैं, और 33-34 हज़ार तक के बकरे जो है इस वक्त फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, ये सारे के सारे बकरे जी। तो इस वक्त यहाँ पे एक दुम्बा भी बड़ा खूबसूरत जो हैवी दुम्बा हमें नजर आ रहा है, ये भी हम सलमान से पूछते हैं, सलमान इसके क्या तकरीबन कितने वजन का होगा, कितने किलो? तकरीबन आपका मन के करीब होगा, 33 मन 40 किलो का होगा, 40 किलो तक का होगा ये। सलमान कितने दांत का होगा ये वाला? सर ये 4 दांत है, और इसकी डिमांड 1,20,000 है, 1,20,000 इसकी डिमांड है जी। कम हो सकते हैं, फिक्स होनी है? जी जी जी, कम हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कल जो लाट आ रही है उसके अंदर उम्मीद है कि दुम्बे जो है वो भी होंगे उसके अंदर? जी इंशाल्लाह। चले सही, जबरदस्त है कि कल जो है बकरों की नई लाट जो है इनके पास आने वाली है, जिसके अंदर बड़े बकरे भी होंगे, हैवी बकरे होंगे, यानी जिनको बड़े बकरे चाहिए होते हैं तो उनको भी वो बकरे यहाँ पे आके मिल जाएंगे। और छोटे बकरे अगर आपको अभी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इनसे ज़रूर रब्ता कर लें, उसामा नाम होता है जो यहाँ पे होते हैं, उसामा उनसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे ही कल बकरे की लाट आएगी तो हम ज़रूर आपके पास आएंगे, अपने नाज़रीन को भी दिखा सकेंगे। बहुत शुक्रिया।